दोस्तों, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने खुलासा किया है कि उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से ही शादी क्यों की थी। इसका कारण जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि धर्मेंद्र जैसा शरीफ सा दिखने वाला इंसान आखिर इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। लेकिन राज खोलने से पहले अगर आपको भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को कृपया लाइक और शेयर जरूर कर दें। आमतौर पर हमारे देश में कुंवारी लड़कियों और कुंवारे लड़कों की शादी का रिवाज है, लेकिन बॉलीवुड की हस्तियों ने इस ट्रेंड को तोड़ने का भरसक प्रयास किया है। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शादीशुदा मर्दों को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना पसंद किया। गुजरे जमाने से लेकर नए दौर तक कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने समाज की परंपरा से अलग हटकर एक ट्रेंड सेट किया है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बारे में। लेकिन दोस्तों, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का वो राज खोलने से पहले आपको बता दें कि इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी प्रेम कहानी से कम नहीं है। दोनों की उम्र के बीच 13 साल का फासला है। यही नहीं, हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म और नाम तक बदल लिया था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। फिल्मों में आने से पहले ही धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी। दोनों के 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीत हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हेमा मालिनी से हुई और साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को 39 साल बीत चुके हैं और दोनों की जोड़ी आज भी जबरदस्त लगती है। आज भी बसंती और वीरू की जोड़ी को देखने के लिए उनके चाहने वालों का सैलाब उमड़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों के लिए शादी करके हमेशा के लिए एक दूसरे का होना आसान नहीं था। 70 के दशक में हेमा को 3-3 सुपरस्टार शादी के लिए प्रपोज किया था। उनकी शादी जितेंद्र के साथ होनी थी, लेकिन आखिर में उन्होंने धर्मेंद्र को जीवन साथी के रूप में चुना। आइए जानते हैं कैसे कंप्लीट हुई धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी। 70 के दशक में संजीव कुमार और हेमा मालिनी के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। संजीव कुमार हेमा मालिनी से मन ही मन प्यार करते थे, लेकिन हेमा का नाम लगातार धर्मेंद्र से जोड़ा जा रहा था। वहीं हेमा के घरवाले दोनों के रिश्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए संजीव कुमार ने अपने माता पिता को हेमा मालिनी के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। लेकिन हेमा की माने ये कहकर रिश्ते से मना कर दिया कि उनकी बेटी की अभी शादी की उम्र नहीं है। जिसके बाद संजीव कुमार ने जितेंद्र को हेमा के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। हेमा को समझाने पहुंचे जितेंद्र का दिल उन पर आ गया। संजीव को मना करने के बाद जितेंद्र को लगा कि हेमा मालिनी शायद उन्हें हाँ कह देगी। उन्होंने भी हेमा को प्रपोज कर दिया। उसके प्रस्ताव के बाद अब हेमा असमंजस में पड़ गई। इस बीच हेमा मालिनी की नजदीकियां धर्मेंद्र के साथ बढ़ने लगी थी। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, ऐसे में हेमा मालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला ले। फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और हेमा ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया। शूटिंग खत्म होने के बाद जितेंद्र अपने माता पिता को लेकर हेमा के घर पहुंच गए। दोनों के घरवाले बात ही कर रहे थे कि तभी धर्मेंद्र का फोन आया। उन्होंने हेमा पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि वो फैसला लेने से पहले उनसे मिले। हेमा को परेशान देख जितेंद्र ने सोचा कि कहीं वो अपना फैसला बदल न ले, इसलिए उन्होंने उसी दिन मंदिर में शादी का फैसला किया। हेमा इस बारे में सोच ही रही थी कि जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा का फोन आया। बस फिर क्या था, इस फोन के बाद जितेंद्र से उनका रिश्ता खत्म हो गया। जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड शोभा से शादी कर ली। अभी हेमा और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी अधूरी थी। वहीं हेमा के पिता को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। धर्मेंद्र का शादीशुदा होना उनके रिश्ते की बाधा बन रहा था। दोनों अब खुलकर मीडिया के सामने अपने रिश्ते को कबूलने लगे थे। वहीं धर्मेंद्र अपनी पत्नी प्रकाश कौर के बारे में कभी कोई बात नहीं करते थे। हेमा से शादी से पहले ही धर्मेंद्र के 4 बच्चे थे। प्रकाश कौर धर्मेंद्र को तलाक देने को तैयार नहीं थी। आखिरकार हेमा और धर्मेंद्र ने वो फैसला लिया जो वो कभी नहीं लेना चाहते थे। दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर शादी करने का फैसला किया। फिर दोनों ने चुपचाप निकाह कर लिया, हालांकि बाद में धर्मेंद्र ने इससे इनकार किया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या धर्मेंद्र का अपनी पत्नी प्रकाश कौर को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी करना सही था? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।